देश में चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति को संतुलित करने के लिए भारत सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य मंत्रालय ने रविवार को सीजन 2022-23 के दौरान 60 लाख टन तक चीनी के निर्यात की अनुमति दे दी है। इससे चीनी मिलों को बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। खाद्य मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 नवंबर से 31 मई 2023 तक 60 लाख टन निर्यात कोटा की अनुमति दी गई है। इसमें मिल मालिकों के पास ये विकल्प रहेगा कि वो खुद से या निर्यातकों के माध्यम से घरेलू बिक्री कोटा से बदलकर निर्यात कर सकते हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में गन्ना उत्पादन की समय समय पर समीक्षा की जाएगी और नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के आधार पर चीनी निर्यात की मात्रा पर पुनर्विचार किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि गन्ना किसानों को जल्द भुगतान करने के लिए मिलों को आवंटित चीनी कोटा तेजी से निर्यात करने के लिए कहा गया है। मौजूदा 2022-23 सत्र के लिए मंत्रालय ने कहा है कि घरेलू खपत के लिए चीनी की उपलब्धता 2,75,00,000 टन होगी, जबकि 50,00,000 टन चीनी एथेनॉल बनाने के लिए प्रयोग की जाएगी और सीजन के अंत में समापन शेष लगभग 50,00,000 टन होगा। 2022-23 में अक्टूबर से महाराष्ट्र और कर्नाटक में चीनी उत्पादन शुरू हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश और बाकी गन्ना उत्पादक राज्यों में यह 1 सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा। वहीं चीनी उद्योग संगठन इस्मा का कहना है कि इस साल देश में 3,65,00,000 टन चीनी उत्पादन का अनुमान है, जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। अब खुद या निर्यातकों के माध्यम से विदेशों में चीनी मिले चीनी बेच सकती हैं। इससे पहले की तीन चीनी विपणन सत्रों यानी 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के चीनी मौसम में चीनी ने अपने 3 साल के औसत उत्पादन का 18.23% का एक समान निर्यात कोटा आवंटित किया था। चीनी का वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। रविवार को जारी बयान में मंत्रालय ने कहा है कि देश में गन्ना उत्पादन के उपलब्ध में शुरुआती अनुमानों के आधार पर निर्यात कोटा तय किया गया है। वहीं आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और निर्यात के मामले में यह ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर आता है। इस साल ब्राजील में भी गन्ना उत्पादन कम रहा है, जिससे ग्लोबल मार्केट में भारतीय चीनी की मांग और बढ़ गई है। सरकार ने पहले ही संकेत दे दिया था कि घरेलू बाजार में मांग बढ़ने पर कीमतें थामने के लिए इस साल निर्यात कोटा घटाया जाएगा। इसके बाद उद्योग जगत को उम्मीद थी कि सरकार कम से कम 80 से 90 लाख टन चीनी निर्यात की छूट देगी, लेकिन घरेलू बाजार की मांग को देखते हुए फिलहाल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात का कोटा तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।